हेलो, ये हमारी 15 क्वेश्चन की सीरीज है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सीडेंट्स कमेंस्ड ग्रामर, मतलब एक्सीडेंट्स यानी कि जो शब्दरू होता है कमेंस्ड आरंभ करता है ग्रामर का। 1669 में आई थी ये बुक, किसने लिखी थी ये बताना है। तो ये बुक है जॉन मिल्टन की। ओके, अच्छा, जॉन मिल्टन का लाइफ स्पैन क्या है? 1608 से लेके 1674 तक। तो ये बुक आई है 1669 में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मिल्टन ने अपने लास्ट फेज में लिखी है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। हेयर इज एन ओक ट्री, एक ओक का पेड़ है, प्लांटेड इन ए कॉस्टली बेस, जिसको प्लांट कर दिया गया है एक कीमती गमले में। रिमार्क गेटे अबाउट, गेटे ने किसके बारे में ये रिमार्क दिया है ये बताना है। ये रिमार्क दिया है गेटे ने हैमलेट के बारे में। ओके, ये मतलब गेटे ने कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हैमलेट हैज़ नो प्लान, हैमलेट के पास तो कोई प्लान नहीं होता। ऑल ऑफ सडन उसके फादर की डेथ हो जाती है और वो अपनी पढ़ाई छोड़ के यूनिवर्सिटी की यहाँ आ जाता है किंगडम में, मतलब राज्य में। तो उसका तो कोई प्लान नहीं था, और जो ये प्ले है वो फुल ऑफ प्लान है, प्लान से भरा हुआ है। तो ओवरऑल कहने का मीनिंग यही है गेटे का कि ओक ट्री है जिसको प्लांट कर दिया है एक बेस कीमती गमले में। ओके, और हेमलेट के बारे में, इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ सेनेका स्टाइल, जो फुल नेम है इस प्ले का वो है द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ओके, और अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट मेल रोल की, तो वो हैमलेट का ही है, मतलब शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उसमें जो लॉन्गेस्ट मेल रोल है वो हैमलेट का है, और लॉन्गेस्ट फीमेल रोल की बात आएगी तो वो है रोजालिन का। ओके, हैमलेट शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है, ये भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। वाज द किंग कौन, मतलब राजा है, हु साइन द मैग्ना कार्टा, जिसने मैग्ना कार्टा पे साइन किए थे ये बताना है। तो वो था किंग जॉन। ओके, याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और किंग जॉन के बारे में मैंने एक पॉइंट और बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, कि जो किंग जॉन है और रिचार्ड सेकंड है वो इंटायरली वर्ड्स में लिखे हुए हैं। ओके, और एक पॉइंट और याद रखना है इम्पोर्टेंट किंग जॉन के बारे में, कि जो कॉमोडिटी स्पीच है, अगर ये पूछा जाता है कि कॉमोडिटी स्पीच किस प्ले में आई है, तो ये याद रखना है ये किंग जॉन में आई है। ओके, एक हिस्टोरिकल प्ले है, प्रोबेबली रिटन इन 1594। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। द एक्सप्रेशन लाउड कलर इज एन एग्जांपल ऑफ, जो ये एक्सप्रेशन है लाउड कलर, ये किसका एग्जांपल है? तो ये एग्जांपल है सिनेस्थेसिया का। अच्छा, सिनेस्थेसिया होता क्या है ये मैं आपको भी बताऊँगी। सिनेस्थेसिया क्या है? एक साइकोलॉजिकल ऐसा टर्म है, मतलब जिसमें सेंस का ट्रांसफरेंस होता है, सेंस एनालॉजी, जैसे कि इसमें ना सेंस का ट्रांसफर हो रहा है, जैसे दो सेंस को कंबाइन कर दिया। लाउड कलर, लाउड क्या है, लाउड किससे करते हैं हम, ईयर मतलब कान से सुनते हैं, और कलर को करते हैं आँखों से देखते हैं, विजुअल। तो दो सेंस को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया है, दो सेंस का ट्रांसफर कर दिया, तो वो ही क्या कहलाएगा, सिनेस्थेसिया कहलाएगा, याद रखेंगे ना। और इसका एक एग्जांपल और बताती हूँ आपको, जैसे स्वीट म्यूज़िक, अब स्वीट किससे हम टंग से टेस्ट करते हैं ना, और म्यूज़िक कान से सुनते हैं, ईयर से सुनते हैं, तो इसमें भी क्या कर दिया, दो सेंस का कंबाइन कर दिया। ओके, और इसका जो ऑप्शन है क्लीशे क्या होता है, घिसी पिटी कहावतें, एक ट्राइड रिमार्क, जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सबको पता है घिसी पिटी बात है, मतलब सबको पता है वो बात अलग है कि ऑनेस्ट नहीं है सब लोग। अच्छा, ब्लर्ब का मतलब क्या होता है, ब्लर्ब एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है किसी बुक का, फिल्म का, या कोई दूसरा जो प्रोडक्ट होता है जो लिखा जाता है प्रमोशनल पर्पज के लिए, जैसे कुछ पूरा वो हो, कोई बुक है या कोई फिल्म है उसका शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दिया जाता है, तो बस वही है। ओके, और पन क्या होता है, पन मतलब आपने सुना होगा हिंदी में सलेश अलंकार, तो मतलब वही होता है प्ले ऑन वर्ड्स,
अच्छा पन के बारे में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कि फैटल क्लियोपेट्रा बोला था पन को, तो वो किसने बोला था ये भी याद रख लेंगे, वो बोला था सैमुअल जॉनसन ने। ओके नेक्स्ट, द वर्ड इनफोटेनमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ये वर्ड है ये किसका एग्जाम्पल है, जो ये वर्ड है ना ये एक पोर्टमेंटो वर्ड है। अच्छा पोर्टमेंटो होता क्या है, पोर्टमेंटो क्या होता है, मतलब जैसे दो वर्ड को, दो मीनिंगफुल वर्ड को कंबाइन कर दिया जाता है, दो शब्दों को जोड़ दिया जाता है और उसे एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे इनफोटेनमेंट है, इनफोटेन मतलब इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट को कंबाइन करके एक नया शब्द बना दिया इन्फोटेनमेंट। जैसे कि मैं आपको सेंटेंस में इसको बताती हूँ, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इन्फोटेनमेंट, हम कैसे वर्ल्ड में रह रहे हैं, इन्फोटेनमेंट के वर्ल्ड में रह रहे हैं। अच्छा ये तो आप समझ ही गए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, सबने सुना होगा बिरुष्का, तो वो कैसे बना है, विराट प्लस अनुष्का बिरुष्का, तो वो क्या हो गया एक पोर्टमेंटो वर्ड हो गया। और एग्जांपल जैसे आपने सुना होगा पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट कैसे बनाए, आईपॉड प्लस ब्रॉडकास्ट, दोनों को मिक्स करके क्या बना दिया पॉडकास्ट कंबाइन करके, तो ये हो गया एक पोर्टमेंटो वर्ड, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा जो आर्किक वर्ड होता है बहुत ही ओल्ड फैशन, मतलब बहुत ही प्राचीन, जो नो लॉन्गर यूज्ड, जो अब यूज़ में नहीं है। अच्छा जो ये वर्ड है जागन, ये क्या है, जागन ना एक स्पेशल और टेक्निकल वर्ड होता है जो यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर की लैंग्वेज, मतलब मेडिकल में जो यूज करते हैं, मतलब वो कैसी होती है, वो बहुत ही स्पेशल और टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वही जागन। ओके और स्लैंग क्या होता है, एक बहुत ही इनफॉर्मल वर्ड जो स्टैंडर्ड नहीं समझे जाते। ओके नेक्स्ट, हु वाज डिसमिसिव ऑफ शेक्सपियर अचीवमेंट ऑन आर्टिस्टिक एंड मॉरल ग्राउंड, हु वाज डिसमिसिव, किसको मतलब किसने उपेक्षा की थी शेक्सपियर की अचीवमेंट की, जो उनका आर्टिस्टिक और मॉरल ग्राउंड में अचीवमेंट था उसकी उपेक्षा की थी, मतलब उसको लायक नहीं माना था शेक्सपियर को, उनके बारे में डेरोगेटरी बातें बोली हैं, ये बात बोलिए लियो टॉलस्टॉय ने। ओके लियो टॉलस्टॉय को लगता था कि शेक्सपियर इस लायक है ही नहीं, शेक्सपियर इज नथिंग, वो ऐसा लिख ही नहीं सकते, उनके वर्क को देख के उन्होंने इस तरह का रिमार्क दिया था। नेक्स्ट, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए सिंगल आइडिया इज कन्वे थ्रू टू सिमिलियर वर्ड, एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एक आइडिया को कन्वे किया जाता है दो सेम वर्ड से, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर। अब जैसे अगर हम लॉ और ऑर्डर एक ही तो बात हो गई ना, लेकिन हमने इसको कैसे किया, इस आइडिया को कन्वे किया दो शब्दों से, तो वो एग्जाम्पल हुआ हैंड बी डेज का। ओके अच्छा एंटोनोमेशिया क्या होता है, एंटोनोमेशिया ना एक तरह का इट्स ए काइंड ऑफ मेटोनिमी, जिसमें क्या होता है एक एपिथेट और फ्रेज टेक द प्लेस ऑफ ए प्रॉपर नेम, एक प्रॉपर नेम ले लेती है। जैसे हम एग्जांपल के लिए बताते हैं, हम यूज कर ली नेपोलियन के लिए यूज करते हैं हम द लिटिल कॉर्पोरल। ओके नेक्स्ट से लेंगे पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्या होता है, एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, या पैराडॉक्स तो आपने अच्छे से सुना होगा। नेक्स्ट एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ की शुरुआत में जो सेम वर्ड, मतलब हर लाइन में सेम वर्ड आएगा या फ्रेज आएगी उसका रिपीटेशन होगा, उसे एनाफोरा होगा। नेक्स्ट चलेंगे द एक्सप्रेशन एज हेड स्ट्रॉन्ग एज एन एलिग्री ऑन द बैंक ऑफ नाइट, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ, जैसे कि एक्सप्रेशन है एज हेड स्ट्रॉन्ग एज एन एलिग्री, एलिग्री के मतलब इन्होंने ना एलिगेटर के स्थान पे
एलिगेटर के स्थान पे एलिगरी का यूज कर दिया। तो ये इस तरह का जो हम किसी चीज़ को मतलब फनी बनाने के लिए या कुछ इस तरह का बनाने के लिए उसका वर्ड का यूज़ कर देते हैं इसके स्थान पे दूसरे वर्ड को। जैसे मैंने इसका एक क्वेश्चन आपको कल भी बताया था, तो वो हो जाएगा मेलापोपिज्म। ओके, जो ये वर्ड है ना, ये जो एक करेक्टर था सेरेडान ने, एक करेक्टर था मिसिस मेलापोप, उनका जो प्ले था सेरेडान का द राइवल 1775 में आया था, उसी के करेक्टर से इंस्पायर होकर ये वर्ड बना है मेलापोपिज्म। ओके, और जो फर्स्ट वर्ड है बोनमो क्या होता है, एक क्यूक विटी रिमार्क होता है, एक क्लेवर रिमार्क। अच्छा, फोपा क्या होता है, एक एम्बेरसिंग मिस्टेक, कोई ऐसी गलती जो लोगों को ऑफेंड कर दे, या फिर ब्लंडर बोल दो आप किसी मतलब एटिकेट मैनर्स में या कंडक्ट में। अच्छा, सोलसिज्म क्या होता है, एक ग्रामेटिकल एरर होता है। नेक्स्ट, ए ह्यूमरस पोएम विथ फाइव लाइन, एक ह्यूमरस पोएम होती है फाइव लाइन की, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है लिमरिक, उसको क्या बोलेंगे, लिमरिक। एडवर्ड लियर ने, आपको पता होगा एडवर्ड लियर लिखी है बुक ऑफ नॉनसेंस, लिमरिक की राइमिंग स्कीम ए ए बी बी ए। ओके, ए ए बी बी ए फाइव लाइन की है, याद रखना। अच्छा, जो पहला वर्ड है इसका डोगरल, इसमें क्या होता है, जो वर्ड्स बैडली रिटन होते हैं या एक्सप्रेस किए जाते हैं बैडली रिटन। पेंटा पोएम, पेंटा पोएम क्या होता है, पेंटा का मतलब भी तो फाइव होता है, उसी से बना है ये। अच्छा, ये वर्ड है साम, लास्ट वाला साम क्या होता है, इस वर्ग की स्तुति में जो गाते हैं ना कोई प्रार्थना स्पेशली बाइबल में, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, ओटावा रीमा लाइक टर्जा रीमा एंड द सोनेट बाज ब्राउट फ्रॉम इटली टू इंग्लैंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th century। वाई ये बताना है हमें कि जो ओटावा रीमा है, जैसे कि ओटावा रीमा लाइक टर्जा रीमा और सोनेट की तरह, वो लाए गए हैं इटली से इंग्लैंड में इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th century। वो किसके द्वारा लाए गए हमें ये बताना है, तो ये लाए गए थे थॉमस वाइट के द्वारा। अच्छा, जो थॉमस वाइट है याद रखना है, और जो ये फर्स्ट ऑप्शन है हेनरी हॉवर्ड, आपको इसका भी याद रखना है, जिन्हें हेनरी हॉवर्ड को अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी जाना जाता है, ये किसके लिए फेमस है, ये ब्लैंक वर्ड्स के लिए फेमस है। अच्छा, इसके याद करने का तरीका ये है, मैंने जैसे इस क्वेश्चन को याद किया था, जैसे ओटावा में डबल टी आ रहा है तो थॉमस वाइट में भी डबल टी आ रहा है, वाइट में WYAT, तो मैंने इससे कनेक्ट करके इसको याद कर लिया था, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, आप भी ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, द रिडल, रिडल मतलब पहेली, आई एम नॉट ए वाइपर येट आई फीड ऑन मदर्स फ्लैश विच डिड मी ब्रीड, ये अक्कर होती है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की किस प्ले में आती है, आई एम नॉट ए वाइपर, वाइपर का मतलब तो आपको पता है, मतलब कहने का ये है कि, अब इसके पहले मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, इसका आंसर है पेरिक्लीज द प्रिंस ऑफ टायर। अच्छा, पेरिक्लीज जो प्रिंस ऑफ टायर है, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया था फर्स्ट फोलियो से, फर्स्ट फोलियो कब आया था 1623, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुका है कि फर्स्ट फोलियो से किसको एक्सक्लूड कर दिया गया था, तो याद रखना है पेरिक्लीज को किया था। ओके, अब इस हम इस इसको पढ़ेंगे कोटेशन को, क्या मतलब है इसका, इसमें जो बेसिकली किंग होता है एंटिकोस, जो उसका फादर होता है, वो क्या करता है, उसको कंपेयर किया गया है, आई एम नॉट ए वाइपर, मतलब वाइपर मतलब स्नेक, मतलब मैं स्नेक की तरह नहीं हूँ या टाइप फीड, लेकिन मैं फिर भी फीड करता हूँ ऑन मदर्स फ्लैश विच डिड मी ब्रीड, मतलब उसी मदर के फ्लैश से जिसने मुझे क्या दिया है, ब्रीड मतलब जन्म दिया है। इसका जो राजा होता है ये एंटियोकस, इसका अपनी ही बेटी से सेक्सुअल रिलेशन होता है, आपको पता होगा स्टोरी आपने पढ़ी होगी इसकी समरी, तो इसमें क्या होता है, वो एक अनाउंसमेंट करता है कि जो भी इस रिडल को सॉल्व करेगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी करा दूँगा, तो जबकि ये कराने वाला नहीं था उससे शादी, क्योंकि उसके तो खुद उससे सेक्सुअल रिलेशन थे अपनी ही बेटी से, तो इसमें क्या होता है, पेरिक्लीज जो होता है प्रिंस ऑफ टायर, वो इस रिडल को सॉल्व कर देता है, तो उसे उसके उसे क्या करता है, उसे मारने के ऑर्डर देता है, जान से मारने के उसको।
तो बस यही है इसमें। तो यही बोला है उसने कि आई एम नॉट ए वाइपर, एक स्नेक नहीं हूँ, यट फिर भी आई फील ऑन मदर्स फ्लैश, मैं अपनी उसी माँ का फ्लैश, फ्लैश तो पता ही है आपको, विच डिड मी ब्रीथ, जिसने मुझे क्या दिया, जन्म दिया, मैं उसी माँ का फ्लैश। ओके नेक्स्ट चलेंगे। टी एस इलियट एडमायर्ड वन ऑफ शेक्सपियर प्ले, टी एस इलियट ने एडमायर किया है शेक्सपियर के एक प्ले को, उसको क्या बोला है, एज अल्ट्रा ड्रामेटिक, अल्ट्रा ड्रामेटिक बोला है। अब ये किस प्ले को बोला है उन्होंने, इसी को बोला है, पेरिक्लीज को, जिसका अभी ऊपर डिस्कशन चल रहा था, पेरिक्लीज को बोला है अल्ट्रा ड्रामेटिक, किसने बोला है, टी एस इलियट। नेक्स्ट, वाइल इन डिस्गाइज इमोशन इन सिम्बली टेक्स व्हाट नेम, जब आपको पता होगा इमोशन क्या कर लेती है, अपने आप को अपना भेस बदल लेती है सिम्बलीन में बचने के लिए, टेक्स व्हाट नेम, तो वो क्या नेम लेती है, तो वो नेम लेती है फिडेलिन। ओके इसमें क्या होता है, इमोशन इमोशन जो होती है सिम्बलीन की है, करेक्टर आपको याद रखना है, सिम्बलीन में हीरोइन थी, और जब वो नाम, जब वो अपने आप को अपना भेस बदलती है तो अपना नाम क्या रख लेती है, फिडेलिन। ओके और इमोशन के बारे में क्या 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 कहा गया है, इमोशन जो है, अच्छा आपको पता होगा फिडेलिन का मतलब ही होता है लॉयल, वो काफ़ी लॉयल होती है ना, लेकिन फिर भी उस पर ऐसा चारित्रिक दोष लग जाता है, जो ये इसमें करेक्टर है ना, जो सी नंबर पर लिखा है याकिमो, याकिमो उस पर चारित्रिक पतन का दोष लगा देता है मतलब, तो लेकिन ये वो होती है एक बर्ट्रस लेडी होती है, तो इसमें जो है इमोशन को डिस्क्राइब किया गया है विलियम हैजिट के द्वारा, याद रखना है आपको, द मोस्ट टेंडर एंड द मोस्ट आर्टलेस ऑफ ऑल शेक्सपियर वुमेन, शेक्सपियर की जितनी भी वुमेन हैं, जितने भी मतलब उन्होंने वुमेन करेक्टर हैं उनकी प्ले में, जो इमोशन है वो मोस्ट टेंडर एंड द मोस्ट आर्टलेस है। ओके अच्छा एक पॉइंट और याद रखेंगे इसके बारे में, टेनिसन, टेनिसन जो थे ना वो सिम्बलीन की कॉपी थी उनके बेड पे, मतलब जब वो मरे थे। ओके नेक्स्ट, राजमोहन्स वाइफ 1864 में आया था द फर्स्ट इंडियन नोवेल रिटन इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखा गया था, बाज पैन वाइफ, किसके द्वारा पैन किया गया था याद रखना है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन नोवेल है तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये था बंकिम चंद चटर्जी। ओके नेक्स्ट चलेंगे, आई वॉज बोर्न इन लंदन, मेरा जन्म लंदन में हुआ था, ऑफ एन ऑनेस्ट फैमिली, एक ऑनेस्ट परिवार में, आई हार्डली इवन लेफ्ट माई स्टडी, मैंने मुश्किल से ही कभी लेफ्ट माई स्टडी, अपनी स्टडी छोड़ी ही, या बैंड टू बेड, या फिर बेड पे गया था बिफोर मिडनाइट, आधी रात से पहले, यानी कि वो 12 बजे तक मिडनाइट तक पढ़ा करते थे, मतलब कभी इससे पहले सोई ही नहीं हूँ, इतनी पढ़ाई करते थे, और आपको पता है मिल्टन अंधे भी हो गए थे इसी वजह से, तो वी लाइक मिल्टन। ओके तो इन्होंने ये बोला है कि मिल्टन ने यह बात बोली कहाँ पे है, मिल्टन ने यह बात बोली है सेकंड डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, सेकंड डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल में ये बात बोली है कि वो हार्डली ही कभी अपने बेड पे गए होंगे बिफोर मिडनाइट, मिडनाइट से पहले वो इतना पढ़ाई करते थे। नेक्स्ट, द डेली करंट द फर्स्ट डेली न्यूज पेपर केम आउट इन द ईयर, जो पहला डेली न्यूज पेपर था वो आया था कौन से ईयर में आया था, वो आया था 1702 में। ओके नेक्स्ट चलेंगे, हु इज ऑफ द व्यू, ये किसके व्यू है कि एडम इज द सेंट्रल फिगर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, एडम जो है वो सेंट्रल फिगर है इसका पैराडाइज लॉस्ट का, हमें अच्छे से पता है, हाँ वो सेंट्रल फिगर है, हिज एक्शन गिव यूनिटी टू इट, इसके एक्शन जो है इस बात को मतलब बताते हैं, हिज फेट इज इट्स चीफ सब्जेक्ट, जो उसका भाग्य है ना वही इसका मुख्य विषय है, ही टेक्स द प्लेस ऑफ, वो किसका स्थान लेता है, वो लेता है इनियस का स्थान, लाइक हिम उसकी तरह, ही इज नॉट परफेक्ट, वो भी परफेक्ट नहीं है, एंड लाइक हिम और उसकी ही तरह, बिहाइंड ही एरर्स, मतलब जब वो गलती करता है, हिज एरर लीड टू ग्रेव रिजल्ट, उसके जो गलतियाँ हैं वो उसे कहाँ ले जाती हैं, एक गंभीर परिणाम की तरफ, ये बताना है।
तो ये लाइन हमारी किसने बताई है ये बताना है। तो ये लाइन है चार्ल्स मोरिस बोहरा, इनकी लाइन है। अच्छा, जो ये इसमें कंपेयर की गई ना एडम की इनियस से, तो इनियस आपको पता होगा वर्जिल का इनियड, याद है ना आपको, उसी का हीरो है ये। और आपको अच्छे से पता होगा, मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है उसका कुछ रेफरेंस, मतलब उसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, वर्जिल के इनियड से ही लिया गया है। तो इसलिए एडम की कंपेयर इनियस से की गई है कि वो उसकी तरह ही परफेक्ट नहीं है, मतलब पूर्ण नहीं है इनियस की तरह ही, और उसकी तरह ही किसकी तरह, इनियस की तरह जब वो गलती करता है तो उसके गलती उसे कहाँ ले जाती है, एक गंभीर परिणाम की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट, हु इज ऑफ द व्यू, ये किसका व्यू है कि माल्ट डज मोर देन मिल्टन कैन, माल्ट मतलब शराब, मोर देन अधिक कर सकती है जितना है मिल्टन ने किया है। क्या किया है मिल्टन ने, मिल्टन ने किया था टू जस्टिफाई गॉड्स वे टू मैन, जस्टिफाई किए थे भगवान के तरीके किसके से, किसके साथ, मैन के साथ। मिल्टन ने लिखा था ना कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया आदमी के साथ, लिखा था ना उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में, जस्टिफाई किया है इसीलिए उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों हुआ है। तो उसमें हमें ये बताना है कि ये व्यू किसने दिया है कि एक शराब मिल्टन से भी ज़्यादा इस बात को जस्टिफाई कर सकती है, ये किसने बोला है, ये बोला है ए ई हाउसमैन ने। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, ए मैन ए प्लेन ए कनाल पनामा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है ये बताना है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, पैलिंड्रोम का। पैलिंड्रोम में क्या होता है, आप किसी भी साइड से सेंटेंस को पढ़ लो, उल्टा सीधा एक समान पढ़ा जाता है, चाहे आप स्टार्टिंग से पढ़ लो चाहे आप इधर से स्टार्ट कर लो, आप लास्ट से स्टार्ट करोगे तो भी यही यही शब्द है और इधर से स्टार्ट करोगे तो यही शब्द है, मतलब पैलिंड्रोम में क्या होता है उल्टा सीधा एक समान। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ, मैडम आई एम एडम, ये भी पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल है, उल्टा सीधा एक समान। इसमें जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन पैलिनोड, ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक रिट्रैक्शन होता है स्टेटमेंट का, मतलब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं और फिर अपनी ही बात से क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं। ओके, और जो ये थर्ड ऑप्शन है पैनेजरिक, पैनेजरिक क्या होता है, मतलब यूलोजी पीएन कह दो, इनकोमियम मतलब प्रशंसा गीत। ओके, और पिज्मा, पिज्मा में क्या होता है, आप ना यस और नो में आंसर नहीं चाहते, मतलब जब क्वेश्चन करते हैं आपको चाहिए उसकी एक्सप्लेनेशन, मतलब उसको आपको उसका स्पष्टीकरण चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, नो बडी आई माई सेल्फ फेयरवेल कम एंड मी टू माई काइंड लॉर्ड इज द लास्ट लाइन स्पोकन बाई, ये लास्ट लाइन है जो बोली गई है, किसके द्वारा बोली गई है, ये बोली है डेस्टिमोना ने। डेस्टिमोना कहाँ थी, ओथेलो में। अच्छा, ये डेस्टिमोना की मरते हुए आखिरी लाइन है, जब उससे इमिलिया पूछती है ना कि क्या हुआ, मतलब इस तरह से, तो वो कहती है कि नो नोबडी आई माई सेल्फ फेयरवेल, मतलब किसी की कोई गलती नहीं है, मैंने खुद ही, मतलब वो विदाई लेती है, मरने जा रही होती है ना, मरने वाली होती है, कौन मारता है उसको, ओथेलो मार देता है ना उसका हस्बैंड, और वो उससे ओथेलो से बोलती भी है कि मुझे आज आज छोड़ दो, मतलब आज की रात जी लेने दो, लेकिन ओथेलो नहीं मानता। और तो वो इमिलिया को बता रही होती है कि नो बडी किसी ने नहीं, आई माई सेल्फ फेयरवेल कमेंड मी टू माई काइंड लॉर्ड, फिर भी मतलब वो कहती है कि उसे, मतलब बोलती है कि प्रशंसा करना मेरे काइंड लॉर्ड, मतलब यहाँ पे किसको सिम्बोलाइज कर रही है, वो ओथेलो को, मतलब मरते मरते भी ना ओथेलो को अभी भी ब्लेम नहीं कर रही, मतलब सी इज स्टिल इन लव विद हिम, वो अभी भी उसके साथ प्यार में है और उसके बारे में कुछ उसके अगेंस्ट नहीं बोलती। ओके, नेक्स्ट, हु स्प्रिंकल्स फ्लोवर ऑन ओफिलियास ग्रेव, कौन छिड़कता है, मतलब कौन स्प्रिंकल करता है फ्लोवर्स को ओफिलिया की ग्रेव पे, ग्रेव मतलब आपको पता ही है जहाँ पे डेड बॉडी तक नहीं जाती है, सेइंग कहते हुए स्वीट्स टू द स्वीट, स्वीट्स टू द स्वीट, समझ रहे हो, इस लाइन में पन है, पन तो पता ही है, प्ले ऑन वर्ड्स,
तो इसमें ना ये बताना है कि कौन फ्लोवर्स मतलब ओफिलिया की उस पे कब्र पे डालते हुए कहती है कि स्वीट्स टू द स्वीट, वो होती है गर्ट्रूड। गर्ट्रूड कौन थी? हैमलेट की मदर। वो ओफिलिया को बहू तो बनाना चाहती थी, आपको पता ही है, लेकिन ओफिलिया मर जाती है, तो तब वो उसको मतलब प्यार से बोलती है इस बात, वो थी जब वो दुखी होती है ना, दुखी होके उस समय उसकी डेड बॉडी के पास मतलब उसकी उसके पास कब्र के पास होती है, तो वो दुखी होते हुए ये बोलती है स्वीट्स टू द स्वीट। अर्थ हैज नॉट एनी थिंग टू शो मोर फेयर, मतलब अर्थ जो है इससे ज़्यादा कुछ फेयर मतलब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कुछ दिखाई नहीं सकती। इज ए लाइन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से है कि अर्थ पे इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ये बताना है। तो ये लाइन है कंपोज अपॉन बेस्ट मिनिस्टर ब्रिज। अच्छा किसका है ये? अच्छा ये पहले ये बताओ, अर्थ हैज़ नॉट एनी थिंग टू सो मोर फेयर, इसमें क्या है? इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन है, मतलब नॉन लिविंग को इस तरह से बोला टू सो मोर फेयर, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। अच्छा इसमें पोएट जो है ना, मतलब बर्थ बर्थ का है ही, तो बर्थ बर्थ इसमें कन्वे करना चाहते हैं कि अर्थ कैन नॉट सो ए मोर स्प्लेंडेड एंड ब्यूटिफुल सीन देन द सनराइज ही सी एट द बेस्ट मिनिस्टर ब्रिज। कहने का मीन्स ये है कि अर्थ जो है इससे सुंदर दृश्य दिखाई नहीं सकती, जैसे वो देख रहा है ना सूर्य वहाँ पे आ रहा है, सूर्य निकलते हुए सूर्य की रेज आ रही है, किरणें आ रही हैं, किस पर आ रही हैं? बेस्ट मिनिस्टर ब्रिज पे आ रही हैं, ये बोला है। कंपोज हुआ था ये सोनेट है एक पेट्रार्कन 1802 में कंपोज हुआ था। नेक्स्ट चलेंगे, देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स, दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से है? देर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज, ऐसा कुछ है ही नहीं जो क्या दे सकता हो, अधिक करेज दे सकता हो देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स, दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये बताना। ये लाइन कहाँ से? ये लाइन है द पीजन से। पीजन किसने लिखा है? गार्ल्सवर्ती का है, 1912 में आया था, एक फैंटेसी है 3 एक्ट की, और मतलब इससे ज़्यादा क्रिएट हो ही नहीं सकता, जितना हम देखते हैं ना चीज़ों की विडम्बना को, चीज़ों की विडम्बना को देखते हैं और उसमें हम अपना करेज दिखाते हैं, तो इससे ज़्यादा करेज तो हम कहीं दिखा ही नहीं सकते, इस तरह का स्टेटमेंट है पीजन में बोला था। पीजन आया था 1912 में, 1912 में याद रखना है, 3 एक्ट का है, गार्ल्सवर्ती ने लिखा है। नेक्स्ट चलेंगे, जकनेटा अपियर्स इन द प्ले, किस प्ले में आई है ये बताना है। तो ये किस प्ले में आई है? ये आई है लव फ्लेवर पोस्ट में, जो होता है ना कोस्टार्ड, सुना है आपने नाम कोस्टार्ड, उसकी प्रेमिका है। लॉन्गेस्ट लाइन जो है इस किसी प्ले में अगर बोली गई है ना शेक्सपियर के द्वारा, तो वो कोस्टार्ड के द्वारा ही मतलब बोला गया है लॉन्गेस्ट वर्ड, Act 5 Scene 1 में। ओके चार्ल्स लैम ने लव फ्लेवर लोस्ट को बोला था द कॉमेडी ऑफ लेजर, लेजर मतलब बहुत ही फुर्सत की कॉमेडी है, मतलब फुर्सत में लिखी हुई, मतलब फुर्सत में देखने लायक। नेक्स्ट थ्रो विच करेक्टर, किस करेक्टर के थ्रो जो है मतलब माध्यम से शेक्सपियर मोक, शेक्सपियर मजाक बनाते हैं फॉलन ग्लोरी ऑफ द स्पेनिश अर्माडा, स्पेनिश अर्माडा के गौरव के, स्पेनिश अर्माडा कब हुआ था, जो घटना हुई थी ये कब हुई थी आपको पता होगा, 1588 में हुई थी। तो इस करेक्टर को मतलब इस घटना का मजाक बनाया है कौन से करेक्टर के द्वारा, ये बताना। तो आप याद कर सकते हैं डॉन अर्माडो, इस करेक्टर के द्वारा। अच्छा कैसे याद कर सकते हैं, इसे कनेक्ट कर सकते हैं स्पेनिश अर्माडा और डॉन अर्माडो, नेम से सिमिलियर नेम से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, हु हैज़ बीन डिस्क्राइब, किसको डिस्क्राइब किया है? एज एन एस इन मच अडो अबाउट नथिंग, मतलब किसको गधा बोला है, किसको मतलब मच अडो अबाउट नथिंग में किसको बोला है, तो वो बोला है डॉगबेरी को, याद रखना है डॉगबेरी एक प्रिकर्सर होता है। अच्छा मैंने डॉगबेरी के बारे में पहले भी बताया आपको, जो मैंने भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में वर्ड यूज किया था ना मेलापोप, मिसेज मेलापोप, मतलब उसी से उसी को उसी के जैसा है सिमिलर, इसी
मतलब मिसेस मैलाकोव यूज़ किया था ना, तो वो ही उसी की जैसे सिमिलर बोल सकते हैं हम डोग वायरस में, वो भी ऐसा ही होता है जिसमें फ़नी करने के लिए किसी चीज़ को क्या करते हैं, वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, मिसअप्लाई द वर्ड्स। ओके, याद रखना है मच्छर ओवर नथिंग में डिस्क्राइब किया गया था एज एन एस मतलब गधे, और इसमें एक करेक्टर रोल होता है, मतलब जब पूछा गया था प्रीवियस ईयर में तो दो करेक्टर पूछे गए थे, डॉग बेरी और बर्गीज, ये कहाँ पे आए हैं, तो वो आए हैं मच अडो वर्ड नथिंग में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट चलेगी द टर्म सेवेज बुल इन द प्ले मच अडो अबाउट नथिंग, जो ये टर्म है सेवेज बुल मच अडो अबाउट नथिंग में आया है, ये सिम्बोलाइज करता है किसको, ये सिम्बोलाइज करता है द मैन अनविलिंग टू मैरी, मतलब मैन जो है अनुच्छुक है किसके लिए, शादी करने के लिए। नेक्स्ट व्हाट डज सिल्वियस से ऑफ फीवेज आइज, सिल्वियस क्या कहती है फीवे की आंखों के बारे में, याद रखना है सिल्वियस की ही शादी होती है लास्ट में फीवे से, कौन से प्ले की बात चल रही है, समझ में तो आ गया होगा ना आपको, एजुलाइकिट की बात चल रही है, पेस्टोरल रोमांस था एक, तो इसमें लास्ट में शादी भी सिल्वियस की फीवे से ही होती है, तो सिल्वियस ने फीवे की आंखों को देख के क्या कहा ये बताना है, तो बोला था उसने दे आर सो स्कॉर्नफुल दैट दे विल मर्डर हिम, तो इतनी मतलब घृणित हैं कि वो क्या कर देंगी उसका मर्डर कर देंगे। फोर मैरिज हुई थी इस प्ले में लास्ट में, कौन कौन सी, ओरलैंडो की हुई थी रोजालिन से, ओलिविया की मतलब ओलिवर की सीलिया से, सिल्वर्स की फीवे से, और टचस्टोन की ऑड्री से। ओके, विच टू करेक्टर ऑफ शेक्सपियर राइट लव सोनेट, कौन से दो करेक्टर हैं जो लव सोनेट लिखते हैं, वो है बेनेडिक और पीटरिस, बेनेडिक और पीटरिस किस में आए थे, मच अडो अबाउट नथिंग में आए थे। अच्छा, मैं मच अडो अबाउट नथिंग के और करेक्टर बताती हूँ, जो ये ऑप्शन नंबर सी है क्लॉडियो और हीरो, ये भी मच अडो अबाउट नथिंग के ही करेक्टर हैं, डॉग वेरी एंड बर्गीज अभी मैंने ऊपर ही बताया था, ये भी मच अडो अबाउट नथिंग के हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में जो है ये कोस्टार्ड और जैकनेटा, ये भी ऊपर आए हैं, ये किस में थे, लव्स लेवर लॉस्ट, हमें ये भी याद रखना है कि कौन सा करेक्टर किस प्ले में आया है, क्योंकि करेक्टर देखे ये पूछ लेते हैं कि कौन से प्ले का करेक्टर है। ओके, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन टुक प्लेस इन द ईयर, जो ग्रेट फायर है लंदन की किस ईयर में हुई थी, वो याद रखना है 1660, कौन से ईयर में हुई थी, 1666 में हुई थी, याद रखना है। अच्छा, 1665 में क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हुआ था ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, 1685 में क्या हुआ था, डेथ ऑफ चार्ल्स सेकेंड, और 1688 में क्या हुआ था, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट, जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफिएबल टू मैन, ये लाइन कहाँ से ली गई है, अच्छा हमें ना ये देख के कि जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड, ये लाइन देख के हमें याद आता है कि पैरेलल लॉस्ट की है और हम कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है, ये जो लाइन है ये है सैमसन एगोनिस्ट की। ओके, इसमें था जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफिएबल टू मैन, सैमसन एगोनिस्ट में भी तो ऐसा ही होता है ना, उसके साथ उसकी जो प्रेमिका होती है सैमसन की डलीला, उसको धोखा दे देती है, उसकी चीट कर देती है, तो इसी में ऐसे मतलब भगवान जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड, इस तरह की लाइन सैमसन एगोनिस्ट में भी आई है, आपको याद रखना है। थ्रू आउट द पोयम अंडर गोज ए प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन फ्रॉम गॉड सेकेंड इन कमांड टू ए मेयर पीपिंग टॉम, थ्रू आउट द पोयम मतलब पोयम के थ्रू अंडर गोज ए प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन, एक बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड होता है करेक्टर फ्रॉम गॉड सेकेंड इन कमांड, जो भगवान के कमांड में मतलब सेकेंड नंबर पे होता है, टू ए मेयर पीपिंग टॉम लियरिंग एंड ब्रीथिंग इन प्रूडियंस, ये सैटर्न के बारे में किसने बोला है, सैटर्न तो भगवान का एंजल हुआ करता था ना, फिर एकदम से उसकी क्या हुई, उसने भगवान की बात को नहीं माना, तो उसका क्या हो गया, बहुत ही डिग्रेड हो गया, डिग्रेड तो समझते हो ना, मतलब घटता चला गया उसका, तो ये बताना है कि ये इस तरह का जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया, ये बताना है, तो ये दिया है सी एस लुईस ने। ओके,
हो ओपिनियंस, कौन ओपिनियन देता है कि मिल्टन फेल हो गए हैं टू कन्वेंस अस, हमें कन्वेंस करने के लिए, दैट एडम एंड ईव आर हैप्पी, जो एडम और ईव हैं वो क्या है, खुश हैं, दे आर इन द होपलेस पोजिशन, वे एक होपलेस पोजिशन में होते हैं, होपलेस मतलब जिसमें उम्मीद ना हो, एक ऐसी स्थिति में, ऑफ ओल्ड एज पेंशनर, जैसे ओल्ड एज होते हैं ना, ओल्ड एज वाले लोग, उनको पेंशन मिलती है और वो एन्जॉय करते हैं किसको, परपेचुअल यूथ को, मतलब जैसे शाश्वत जो हमारा यूथ होता है उसको एन्जॉय करते हैं, ऐसे ओल्ड एज वाले पेंशनर की तरह। तो इस तरह से मतलब एडम और ईव की कंपैरिजन की है कि मिल्टन फेल हो गया हमें कन्विंस करने में कि ये लोग खुश हैं दोनों, इस तरह का स्टेटमेंट किसने दिया है, किसने दिया ये ओपिनियन, ये बताना है। तो ये दिया है हमारा EMW Tillyard। ओके नेक्स्ट, हु सेड मिल्टन हैड ए तुर्किश कंटेम फॉर वुमेन, मिल्टन ने क्या किया है, एक तुर्किश कंटेम का तो मतलब आपको पता है, तिरस्कार किया है वुमेन के लिए, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये दिया है डॉक्टर जॉनसन ने। ओके सॉरी जस्ट अ सेकेंड। ओके नेक्स्ट, ए माइंड नॉट टू बी चेंज्ड बाई प्लेस और टाइम इज ए लाइन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से है ये बताना है। ए माइंड नॉट टू बी चेंज्ड, एक जो माइंड होता है वो चेंज नहीं किया सकता, किसके द्वारा, प्लेस और टाइम के द्वारा। आपको याद होगी सैटर्न ने एक लाइन बोली है बहुत ही फेमस है, माइंड इज इट्स ओन प्लेस कैन मेक हेवन ऑफ हेल ए हेल ऑफ हेवन, मतलब हमारा दिमाग ही हो सकता है जो स्वर्ग को नरक बना सकता है और नरक को स्वर्ग, ये सब हमारी सोच की बात है। तो ये इसी से पहले की लाइन है, ए माइंड नॉट टू बी चेंज्ड, वो एक जो व्यक्ति की थिंकिंग होती है वो नहीं बदली जा सकती, उसका दिमाग नहीं बदला सकता, किससे, प्लेस से और टाइम से। तो किसकी हो गई ये लाइन, सर्टन किस में आया है, पैराडाइज लॉस्ट। ओके व्हाट इज द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन बतानी है जो इम्पोर्टेंट मतलब पॉपुलर पोम है उनसे, उनकी हमें फर्स्ट और लास्ट लाइन याद रखनी है, आ जाती है कि लास्ट लाइन क्या है, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सी, बहुत ही शॉर्ट सी है, 8 लाइन की पोम है, लूसी सीरीज की है ये, हमें इसकी लास्ट लाइन बतानी है, तो लास्ट लाइन है इसकी, विद रॉक्स एंड इट्स स्टोन्स एंड ट्रीज, लूसी सीरीज की पोएम है, 1800 में पब्लिश हुई थी, 1800 में लिरिकल बैलेट के सेकेंड एडिशन में। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ सैड ऑफ मिल्टन दैट, वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में बोला है, वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए लिखा था लंदन 1802, आपको अच्छे से पता होगा, एंड ही हैड ए वॉइस, उन्होंने मिल्टन के बारे में बोला है कि ही हैड ए वॉइस हुज साउंड वाज लाइक, उनकी एक ऐसी वॉइस है, ऐसी आवाज़ है जिसकी साउंड किसकी तरह है, जिसकी साउंड है द सी, समुद्र की तरह। ओके, हु सिंग्स ए सोलिट्री सॉन्ग दैट विशल इन द विंड, कौन गाता है एक सोलिट्री सॉन्ग, एकांत मतलब ऐसा सॉन्ग जो विशल, जो सीटी बजाता है किसमें, विंड में, हवा में। ये लाइन आपको सुन के देख के ऐसा लग रहा होगा कि सोलिट्री रीपर की लाइन है, लेकिन ये लाइन है लूसी की। ओके लूसी क्या करती है, एक वो पीछे मुड़ के नहीं देखती और वो गीत गाती जा रही है, उसके गीत क्या हो रहे हैं, हवा में क्या कर रहे हैं, गूंज रहे हैं। नेक्स्ट, लूसी तो पता ही है विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ओके, ऑन हेयर एंड रो आर द एनिमल्स, ये जो एनिमल्स हैं इनको मेंशन किया गया है वर्ड्सवर्थ की एक पोम में, ये बतानी है कि वो कौन सी पोम है, तो वो थी लूसी ग्रे। ओके याद रखेंगे लूसी ग्रे के बारे में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लूसी ग्रे पोएम देख के ऐसा लगेगा कि लूसी सीरीज में आई होगी, लेकिन लूसी सीरीज में नहीं है ये पोएम, उस सीरीज की नहीं है ये पोएम, अलग है उस सीरीज में, जो 5 पोएम्स है उसमें मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। ओके और ये लूसी ग्रे लिखी गई थी एट गोसलार इन जर्मनी इन 1799। ओके, हरक्यूलन सैमसन फ्रॉम द हेरोल्ड लैब ऑफ फिलिस्टीन डेलिलिया, अच्छा नाम सुन के ना सैमसन लगेगा, सैमसन एक्विनस से है, पर ये लाइन भी पैराडाइज लॉस्ट की है, जब मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट लिख रहे थे ना तभी उनके माइंड में आ गया था कि उनको सैमसन एक्विनस भी लिखना है, तो ये रेफरेंस उन्होंने पहले ही दे दिया था इस तरह का। ओके, इन ऑनर सम्मान में ऑफ हिज बैटल फील्ड ब्रेवरी,
मतलब जो युद्ध के मैदान में उन्होंने बहादुरता दिखाई है उसके सम्मान में मार्टियस इज गिवन व्हाट नेम, मार्टियस को क्या नाम दिया गया था, एक वो था करेक्टर, मतलब इसमें याद होगा आपको कोरियोलिनस में एक करेक्टर था मार्टियस, तो उसको बाद में टाइटल दिया गया था जब वो युद्ध में जीत के आया था ना उसकी बहादुरता के लिए, तो वो दिया था कोरियोलिनस, और उसका मतलब है, कोरियोलिनस का मतलब है कंक्यूरर, विजेता ऑफ कैरियोस, मतलब उस पर विजय प्राप्त की थी ना उसने, तो इस सेंस में बोला गया है। ओके सॉरी जस्ट सेकेंड, ओके नेक्स्ट चलेंगे। व्हाट इज द ट्रेजिक फ्ला ऑफ कोरियोलिनस, कोरियोलिनस का ट्रेजिक फ्ला क्या है, बोल प्राइड करता है, उसके फाल का कारण यही बनता है, घमंडी था थोड़ा, मतलब जो उसकी प्रजा थी, मतलब देश की, मतलब जो जनता थी उसको, कॉमन पीपल को कुछ समझता नहीं था, इसी वजह से उसका फॉल होता है। नेक्स्ट इन सोनेट नंबर 73 एंड इज वेयर द कलर येलो इज यूज टू सिम्बोलाइज, 173 में या कहीं भी जो कलर येलो है वो यूज किया गया है, तो वो किसको सिम्बोलाइज करने के लिए यूज किया गया है, तो वो किया गया है पासिंग ऑफ द टाइम, येलो कलर जो सिम्बोलाइज करता है वो पासिंग ऑफ द टाइम को सिम्बोलाइज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोनेट इज ए डायट्राइब अगेंस्ट कार्नल लस्ट, कौन सा सोनेट है ऐसा जिसने क्या किया है, मतलब एक डायट्राइब बोलते हैं एक फोर्सफुल और बिटर वर्बल अटैक किसी चीज़ के अगेंस्ट करना, तो वो कार्नल लस्ट के अगेंस्ट किया था, तो वो किस सोनेट में किया था ये बताना, तो वो क्या था सोनेट नंबर 129, शेक्सपियर का सोनेट नंबर 129। नेक्स्ट हु इज ऑफ द व्यू, ये किसका व्यू है, ए ह्यूमन बींग इज द बेस्ट प्लॉट देयर इज, मतलब एक ह्यूमन बींग ही बेस्ट प्लॉट है, इट मे बी इम्पॉसिबल टू सी, ये तो इम्पॉसिबल है देखना कि वो एक इतना गुड प्लॉट क्यों है, बिकॉज जो आइडिया है इसमें विद इन विच ही वॉज ब्राउट फोर्थ, जो वो आगे लाया गया है कैन नॉट बी फुल्ली ग्रेस्प, उसको तो फुल्ली नहीं ग्रेस्प किया जा सकता, मतलब पकड़ा जा सकता, समझा जा सकता, उस पर होल्ड किया जा सकता, बट इट इज़ प्लेन, लेकिन ये बिल्कुल साफ बात है कि ही इज़ ए गुड प्लॉट, वे गुड प्लॉट है, ये लाइन किसने दी, ये स्टेटमेंट है गर्ल्स व्यक्ति का, याद रखना है स्टेटमेंट किसका हो गया है, गर्ल्स वर्ती का, सबसे नीचे ऑप्शन दे रखा है। ओके नेक्स्ट चलेंगे, आई डोंट थिंक दैट ओनली मॉडर्न पोएट अनलेस इन ए फिट ऑफ इरेस्पॉन्सिबल पीवीसनेस, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि केवल मॉडर्न पोएट जो है अनलेस इन ए फिट ऑफ इरेस्पॉन्सिबल पीवीसनेस, जब तक कि उन्हें चिड़ ना हो, हैज पीवीसनेस चिड़ को बोलते हैं ना, हैज एवर डिनाइड, जिसने कभी मना किया हो मिल्टन की कंसुमेट मतलब जो बहुत ज़्यादा दक्ष थे, कुशल थे पावर में, कहने का मीन्स ये है कि जो हुज व्यू इज दिस अबाउट मिल्टन पोएट्री, ये किसके व्यू है मिल्टन की पोएट्री के बारे में ये बताना है, तो कहने का मीनिंग ये है कि ये व्यू किसने दिया है कि मिल्टन की पोएट्री से शायद ही कोई ऐसा मॉडर्न पोएट होगा जो उनसे अगर उनसे वो चिड़ता ना हो ना तो ही वो मना करेगा, तो ही वो उनकी जो वो दक्ष थे मिल्टन की पोएट्री इतनी कंसुमेट थी उसकी पावर की प्रशंसा नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता अनटिल या अनलेस, जब तक वो क्या ना हो उनसे पीवीसनेस ना हो, चिड़चिड़ापन ना हो, वरना वो तारीफ करेगा जरूर मिल्टन की पोएट्री की। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू किसने रखा है आपने, मतलब ये बताना है, तो ये बोला था किसने बोला था, ये बोला था सैमुअल जॉनसन, सॉरी ये बोला था टीएस इलियट ने, याद रखेंगे टीएस इलियट ने बोला था कि शायद ही कोई ऐसा वो होगा मॉडर्न पोएट जो जिसने मिल्टन की पावर को क्या किया हो, डिनाई किया हो मिल्टन की पोएट्री को। नेक्स्ट हु सेड किसने कहा, पोएट्री इज द मोस्ट फिलोसफिकल ऑफ ऑल राइटिंग, पोएट्री जो है सबसे ज़्यादा फिलोसफिकल है, चाहे आप मतलब किसी भी तरह की राइटिंग कर लो, किसी भी तरह का लेखन कर लो, लेकिन पोएट्री सबसे ज़्यादा फिलोसफिकल है, ये लाइन किसने बोली थी, ये लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ओके नेक्स्ट चलेंगे,
नेक्स्ट है वर्ड पैलिंसेस्ट। पैलिंसेस्ट क्या है ये बताना। तो पहले जो ये है वर्ड पैलिंसेस्ट, इसका मतलब ये होता है एक ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट होती है रिटन ऑन ए सरफेस फ्रॉम विच एन अर्लियर टेक्स्ट हैज़ बीन पार्टली और होली इरेज्ड। एक ऐसी मतलब लेखन सामग्री जिसके पहले ना लेखन को मिटाने के बाद मतलब एक या अधिक बार प्रयोग किया गया हो, जिस लेखन सामग्री को मतलब जिसको एक या उससे अधिक बार प्रयोग कर दिया गया हो उस पर से पूरी तरह होली क्या कर दिया गया हो, इरेज कर दिया गया था। नेक्स्ट हु सेड, किसने कहा ही इज ऑफ नो एज नोर आई मे एड ऑफ एनी रिलीजन और पार्टी और प्रोफेशन। ये बता एक किसने बोला है कि ना तो वो किसी एज के हैं, मतलब वो तो अच्छा ये तो बता दूँ मैं आपको, हाँ ही किसके लिए बोला है, शेक्सपियर के लिए बोला है। ही इज़ ऑफ नो एज मतलब शेक्सपियर इज ऑफ नो एज, शेक्सपियर तो किसी युग के थे ही नहीं ना, उनकी कोटेशन तो आज तक अभी तक चलती है, इतना उन्होंने वर्क लिखा है। नोर आई मे एड ऑफ एनी रिलीजन, ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि वो किसी धर्म के थे, ना ही वो किसी पार्टी से बिलोंग करते थे और ना ही किसी प्रोफेशन से। ये किसने बोला है, ये बोला है एस्ट्री कॉलेज ने। ओके नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हु अमंग द राइटर इज नोन, कौन सा राइटर जाना जाता है फॉर हिज अनफॉरगेटेबल सेंस ऑफ ह्यूमर। अनफॉरगेटेबल मतलब कभी ना भूलने वाले सेंस ऑफ ह्यूमर और कॉमेडी के लिए कौन जाना जाता है, जॉन कार्सवर्थ। याद रखेंगे। ओके थैंक यू।